ओके, आप जीत का फंडा की शुरुआत हो चुकी है। आपकी टीम में लोग आपके आपके आ चुके हैं। तीन तीन सवालात आप लोगों से पूछे जाएंगे, आप लोगों ने उनके जवाब देने हैं। याद रहे, जिस जवाब का सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा वही जवाब काउंट किया जाएगा और वो ऐड होगा। जिसके ज्यादा परसेंटेज होंगे वही ये पूरा का पूरा गेम जीतेंगे। 10 रन है इस गेम के, तो आपने वो कॉमन जवाब ढूंढना है जिसका ज्यादा परसेंटेज हो। जैसे कि हमने एक आपसे सवाल किया, उसके 4 या 3 पॉसिबल आंसर्स हैं। आपने सबसे ज्यादा कॉमन पॉसिबल आंसर ढूंढना है जो कि आम पाकिस्तानियों ने चुन रखा है, हमने उनसे पूछ रखा है। तो पहला सवाल हम करने जा रहे हैं और पहला सवाल हम करेंगे पेशावर स्टैलियन से। तो आइए देखते हैं पहला सवाल आप लोगों का कौन सा है। जीत का फंडा गो लूट लो। ऐसी कौन सी चीज है जो आप हर जगह अपने साथ लेकर जाते हैं? सर माइक उठाएगा। बॉल बॉल सर, ये सवाल हमने गो लूट लो की ऐप पर रखे थे, वहीं पर पाकिस्तानियों ने क्रिकेट की बॉल से जवाब मिले। सुनिएगा जी सर, क्रिकेट की बॉल। आप क्या? मोबाइल। मोबाइल फोन। शायस्ता आपको क्या लगता है? मोबाइल। आपको क्या लगता है? हाँ, मोबाइल, वॉलेट, मोबाइल। तो आप अपना चश्मा नहीं रखते, आप मोबाइल रखते हैं। बिल्कुल। चश्मा ना भी हो, कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन मोबाइल में जो है वो किसी और को ना दिखे। बेसिकली मुद्दा ये है। ओके, इनका जवाब है जनाब के, ऐसी कौन सी चीज है जो आप हर जगह अपने साथ लेकर जाते हैं? ये कहते हैं कि ये मोबाइल लेकर जाते हैं। आइए देखते हैं कि क्या ये जवाब है। और अगर नहीं, मोबाइल बोला आपने, मोबाइल 26। ये आखिरी मिनट पे मुकरना नहीं, अब तुम चाहो ये लास्ट मिनट पे जो मुकरियां दिखाई है ना आपने, और उसके अलावा था चाबियां 22%। मैं जवाब पढ़ रहा था, अगर हम दिखा देते अगले में हरा देना। इसके अलावा थी हमारे पास चाबियां, इसके अलावा थे पर्स या वॉलेट जैसे आपने कहा 20%, रुमाल 18%, पेन 10%। इसका मतलब है कि पहला जवाब आपका हमारे पास मौजूद था। एंड में कैलकुलेट करेंगे कि आप लोगों का परसेंटेज कितना निकलता है और कौन यहां से जीत कर जाता है। पहला सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं क्यों मोबाइल कराची लायंस की टीम। आइए देखते हैं क्या है वो सवाल। आप एक जॉब के साथ दूसरी जॉब क्यों करते हैं? एमई करते हैं। माइक उड़ाएं। के लिए, हेल्प के लिए। किस चीज की हेल्प के लिए? फाइनेंशियल हेल्प के लिए। फाइनेंशियल हेल्प के लिए। फाइनेंशियल हेल्प के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, मतलब फाइनेंशियल हेल्प जरूरियत ज्यादा है, वही हेल्प। हेल्प फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियली बेहतर। फाइनेंशियली इसमें आपको 10 रन मिल रहे हो माई भाई, तो सोच समझ के अपने जवाब दीजिएगा, जान मत छुड़ाइएगा। फैसला करना है एक बार फिर, आखिरी फैसला, यही फैसला है। वैसे एक और भी टाइम कंज्यूम करने, तुम कौन सी टीम में हो गौर? चल बे चल। नहीं आप चेंज भी जाते हैं ना? नहीं, दूसरी जॉब भी नहीं। अच्छा, नहीं रे बेबी, हमें चेंज नहीं चाहिए। ये जो कर रहे हैं वो मुझे अब समझ आया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मुझे लगा हेल्प कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये हेल्प नहीं कर रहे। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या करना, यही है फाइनेंशियल हेल्प। पहले सवाल का जवाब इन्होंने दिया फाइनेंशियल हेल्प। अब देखते हैं क्या ये जवाब हमारे पास मौजूद है। जायद इखराजात पूरे करने के लिए 23%, बिल्कुल ये जवाब मौजूद है। इसके अलावा है बचत के लिए 25%, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए 10%, बच्चों की अच्छी तालीम के लिए 20%, बच्चों की शादी के लिए 19%। अभी भी 3% आपके आगे है, आप अच्छा जवाब दे रहे हैं, इन्होंने इतना अच्छा जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल करने जा रहा हूं आपसे, गो लूट लो जीत का फंडा का दूसरा सवाल हम पेशावर स्टैलियन से करने जा रहे हैं। और वो सवाल है ये, अपनी थकन दूर करने के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं? आराम करते हैं, सोते हैं। मसाज करवाते हैं। जॉगिंग पे। ठीक है, जॉगिंग। मालिश कहना चाह रहा है। मालिश टाइप। आप सोते हैं, गेम खेलते हैं थकन दूर। तो उनसे क्यों पूछ रहे हैं आप? अपना दिमाग लड़ा के जवाब दीजिए अंकल, जवाब दीजिए। सोते हैं। अंकल नहीं है वो बेटा, हमारी उम्र के ही हैं। सोते हैं, थकन दूर करने के लिए रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने के लिए रिलैक्स करते हैं, रेस्ट करते हैं, रेस्ट करते हैं। एक कोई एक जवाब दो मिलके, रिलैक्स और रेस्ट करते हैं बेसिकली। मालिश अच्छा था। तो यार डांस करते हैं लोग, मैं तो डांस करती हूं। एक मिनट, मालिश बेस्ट है। थक गई हूं बहुत। रिलैक्स इज अ वेरी जेनेरिक आंसर, आई नीड समथिंग प्रिसाइज। सोते हुमायूं भाई आप वहां खड़े हो जाएं। अब देखते हैं क्या होता है। इनका अपनी थकन दूर करने के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं? इनका जवाब है सोते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है। मैं भी ऐसा ही करता हूं, बहुत सोता हूं मैं, तबीयत से
सोते हैं, मालिश करवाते हैं, तुम्हारा जवाब मौजूद था, मौजूद था, मौजूद था, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि वो जो जवाब था वो मौजूद था। हाँ भाई दिखाओ, मालिश का जवाब तो मौजूद था, अब देखते हैं इनका जवाब। सोते हैं हमारे पास, सो जाते हैं 24% और मालिश करवाते हैं, मालिश करवाते हैं 17%, चाय पीते हैं 22%, म्यूजिक सुनते हैं 15%, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं 16%। हुमायूं भाई आपका जवाब इसके अंदर मौजूद है ही नहीं। मेरा कौन सा था? लेकिन जो भी था। एक सेकंड, ये आखिरी वाला बेस्ट है, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। क्या ये कौन है? क्या है? मुझे एक डेमोंस्ट्रेशन चाहिए फहद आपसे। ऐसे होते हैं लोग, ऐसे होते हैं। मैं थक गई। ऐसे होते हैं, आगे बंद करके बैठ जाओ, बैठना चाहते, आगे बंद करके पावर नैप। अच्छा भाई, अब इस सवाल के परसेंटेज कितना था जवाब का? मैं टोटल 50 हो चुका है आप लोगों का। अब देखते हैं सवाल नंबर दो करने जा रहा हूं सर। मोटर बाइक आपको जीतने के मिलेगी, आप देखते हैं क्या होने जा रहा है। 1,00,000 रुपया जीतने को मिलेगा, सॉरी। हाँ भाई, ऐसी क्या चीज है जो मुस्तकबिल की बचत के लिए आप खरीद लेते हैं? अभी हमारे किस किस्म के सवाल है? लॉटरी, लॉटरी का टिकट यार, 1,00,000 रुपए यार, मुस्तकबिल की बचत के लिए लॉटरी का टिकट। मैं जीतेंगे आप भाई, सर सही से बता रहा हूँ। मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल सर, मोबाइल। अपने काम से काम रखे, बताएं क्या लगता है आपको? ऐसी गाड़ी, गाड़ी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी ले लेते हैं आप? सुनो, बंदा भी आया भाई, उससे भी बात कर लेते हैं। हाँ, 1,00,000 रुपए इसको मिलना है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हमारे यहाँ लोग आके सोना खरीद लेते हैं, ऐसा भी सोना, हाँ, डॉलर खरीद लेते हैं, डॉलर खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, खवातीन सिर्फ सूट खरीद लेते हैं। देखिए सोना, हाँ, और बॉन्ड, सोना एज इन सोना और जेम्स बॉन्ड, गोल्ड और बॉन्ड। पक्का आखिरी फैसला लॉक कर दिया हमने, लॉक कर दिया। ऐसी क्या चीजें जो मुस्तकबिल की बचत के लिए आप खरीद लेते हैं, वो है बकौल इनके गोल उठ लो जीत का फंडा में सवाल नंबर दो जो इनसे हमने किया, उसका जवाब ये कहते हैं कि सोना ऐसी चीज है जो हम खरीदते हैं। सोना 22%, क्या बात है। इसके अलावा प्राइस बॉन्ड 17%, प्लॉट 20%, बेटी की शादी का सामान 21%, या फिर फॉरेन करेंसी 14%। इस वक्त कराची जो है वो 45 पर है और पिशावर स्टैलियन जो है वो 50 पर है। दो दो सवाल, इनके सवाल ही ऐसे थे, वॉलेट बकरा, टफ थे उनके, इजी थे थोड़े। दो दो सवाल पूछ चुका हूँ, आखिरी आखिरी सवाल है, डिसाइडर है, ये डिसाइड करेगा कि आप जीतेंगे या फिर आप जीतेंगे। सो बहुत तगड़ा जवाब देना है। सवाल तीसरा आपसे करने जा रहे हैं गोल लूट लो जीत का फंडा में, और सवाल तीसरा है, अक्सर आप अपने घर का दरवाजा किन लोगों के लिए नहीं खोलते? अनजान, अनजान लोगों के लिए, अजनबी लोगों के लिए। हाँ, ये बोला उल्टा बताना, ये कैसे, ये क्या बात हुई? ने मदद करती नहीं, जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते। अच्छा, ये भी अच्छा है, वेरी गुड। फकीरों के लिए, नहीं, ये तो बहुत सारे रिश्तेदारों को आप पसंद नहीं करते। नहीं, कौन से रिश्तेदार को तुम पसंद नहीं करती हो? गौर, नहीं, मैं जानना चाहता हूँ ऐसे। नहीं नहीं, गौर आएगा तो नहीं, जान लोगों, जान, अजनबी और अनजान लोगों के लिए, यही मानू मैं जवाब आप लोगों का। पक्की आप इसको बदलेंगे नहीं, भले हुमायूं भाई कुछ भी कहते रहे, अजनबी लोगों के, अनजान लोगों के, अनजान लोग, अजनबी अनजान लोग। भाई अक्सर आप अपने घर का दरवाजा किन लोगों के लिए नहीं खोलते हैं? इनका जवाब है अनजान या अजनबी लोगों के लिए नहीं खोलते हैं। आइए देखते हैं क्या ये अजनबी लोगों के लिए 16%, फकीर के लिए नहीं। फकीर के लिए तो आप खोलते भाई, वो नहीं खोलते ना, तुम्हें क्या है भाई। अच्छा नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुन ले, मैं होस्ट हूँ, किताबी बातें नहीं करनी है, नहीं। जो प्रैक्टिकली होता है उसके बारे में बात करनी है। ये फेसबुक या ट्विटर नहीं है जहाँ पे अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। फकीर के लिए नहीं खोलते भाई, फकीर के लिए खोलते हैं, चपेड़ मार के जाएगा। हुमायूं भाई फकीर के लिए दरवाजा नहीं खोलते हैं, खत्म हो गई बात। आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ, फकीर भी अनजान होते हैं, फकीर अलग होते हैं, अनजान लोग जैसे आप जो मांगने नहीं आया वैसे ऐसे खड़ा हुआ है, अनजान फकीर नहीं होते, ऐसे ही जानने के लिए आया ऐसे। हाँ हाँ, आखिरी सवाल, डिसाइडर है ये सवाल इनका। इस वक्त जो स्कोर है तीनों सवालों का कलेक्टिव वो हो चुका है 66, आपका इस वक्त स्कोर है 45 है इनका स्कोर, ना जहाँ तक मेरा ख्याल है 45 स्कोर है। आपको जीतने के लिए छक्का मारना है, आप देखते हैं क्या करते हैं। सवाल ऐसा पूछ लो, पाकिस्तान का मतलब क्या?
ऐसे भी आएंगे 50 ऐसे भी आएंगे। सवाल नंबर 6 आखिरी गोल्ड लूट लो जीत का फंडा आखिरी सवाल, किस चीज को आप लॉक करके उसकी चाबी अक्सर खो देते हैं? अच्छा हुआ कपड़ों की कपड़े 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 तो पेटियों में रखते हैं ना, पेटियों में जो कपड़े रखते हैं पेटियों में नहीं सी बातें कर वो फकीर के लिए दरवाजा नहीं खोल रहे, तू कपड़े लॉक कर रहा है, क्या लोग हो यार तुम लोग। अगर आप लोगों ने जीना है पेटियों की, आप लोगों ने जीतना है तिजोरी तिजोरी सुन ले, तिजोरी का दरवाजा तिजोरी की तिजोरी की, अगर आप लोगों ने जीतना है तो कम से कम 22% तक का जवाब देना होगा। तिजोरी तिजोरी की चाबी गुम गई, किस चीज को आप लॉक करके उसकी चाबी अक्सर खो देते हैं? सिंधियों का कुछ दिमाग चलाओ, कुछ कुछ तो चलाओ, बोले ना यार आपके घर में कभी कुछ नहीं चाबी जरूरी नहीं है सिंधी जी इज इट सोचे भाई वो सोच रहा है घर में आप क्या लॉक करते थे अक्सर खो जाते तिजोरी क्या लॉक करते थे तिजोरी अंकल तिजोरी 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 बोले क्या कम हाँ तिजोरी हर एक के पास नहीं होती, उस बेचारे से भी पूछ लो, बोले ना वो बोल ही नहीं रहे आप ऐसा क्या अरे करके आगे लगाए ना तिजोरी है तिजोरी है नहीं इनके पास तिजोरी है वेरी गुड घर में दरवाजे की चाबी दरवाजे की चाबी आप यकीन करें तिजोरी करके आप कमरे की तरफ अरे अक्सर अक्सर बीवियां मियां को लॉक करके भूल जाती है चाबी घर की चाबी या दरवाजे भी होती है बाइक भी होती है कमरे की या घर की चाबी फैसला करो ना कर रहे ना तिजोरी दरवाजे की तिजोरी की चाबी तिजोरी हाँ आखिरी फैसला हाँ आखिरी बिल्कुल ठीक है हमें मुझे अच्छा लग रहा है मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं लेकिन वो यूज है हमारे भाई अभी कह रहे थे तिजोरियां सबके पास नहीं होती सर तिजोरी यार तिजोरी की चाबी घर के दरवाजे की चाबी घर के दरवाजे की अरे वो लाख रुपया वो जीतेगा हां बोले ना तिजोरी की तिजोरी की तिजोरी ओके डन कम से कम 22% आपको चाहिए इनको हराने के लिए लॉक कर दिया। सवाल था किस चीज को आप लॉक करके उसकी चाबी अक्सर खो देते हैं, तिजोरी और हुमायूं भाई कह रहे थे घर का दरवाजा। लेट्स सी क्या है हमारे पास, क्या ये जवाब हमारे पास मौजूद है, दराज या अलमारी? दैट इज 26% यस तिजोरी दैट इज तिजोरी सही जवाब बिल्कुल सही है। स्पेसिफिक की बात की थी आपने हमारे सवाल में दराज या अलमारी अलमारी तिजोरी स्पेसिफिक की बात की थी आपने अलमारी में दराज भी होती है और तिजोरी भी होती है। अगर आपको इतनी परेशानी हो रही है मैं थर्ड अंपायर से पूछ लेता हूँ। थर्ड अंपायर तो वैसे ही पिशावर के अगेंस्ट है। डॉक्टर जायसा हर फैसले पर थर्ड अंपायर पे फंस जाती है और देखते हैं ये 10 रन किसको मिले हैं, पिशावर को या फिर क्यू मोबाइल स्पेसिफिक थर्ड अंपायर थर्ड और कराचार और 1,00,000 रुपए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। गोलू का जीत का पट्टा Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.